बैक टू CUET बाय स्टूडेंट खबरी। तो आज एक और कॉलेज के रिव्यू के साथ मैं आ गई हूँ। आज हम बात करने वाले DU से एफिलिएटेड एक और नए कॉलेज के बारे में, जो कि है देशबंधु कॉलेज। यहाँ पे क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं, कितनी फीस है, कितना प्लेसमेंट पैकेज मिला है स्टूडेंट्स को, हाईएस्ट एवरेज, उसके साथ ही साथ क्या क्या सोसाइटीज़ यहाँ पे है, कौन सा फेस्ट होता है, एल्यूमिनाई क्या है, सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कॉलेज कैसा दिखता है। यहाँ पे आपको सारे प्रोफेसर्स की भी फोटो देखने मिल रही है। अब हम जब सबसे पहले अगर बात करते हैं कोई भी कॉलेज की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि कब वो एस्टेब्लिश हुआ है, किससे एफिलिएटेड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कॉलेज के बारे में जानने के लिए। तो एस्टेब्लिश हुआ है 1952 में। बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज तो नहीं है, बट अच्छा खासा रेप्यूटेटेड कॉलेज 1952 में बना है भाई, बहुत सालों पहले। टाइप यहाँ का पब्लिक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, DU का है, साथ ही साथ में साउथ कैंपस का ये कॉलेज है। फिर वेबसाइट यहाँ पे दिया है, कैंपस एरिया 17 एकर्स है, NIRF रैंकिंग इसको मिली है 17 नंबर पे 2023 के हिसाब से। उसके साथ कनेक्टिविटी हो गई कि अब आपको कॉलेज जाना है तो कैसे जाओगे, आप हवा में तो उठ के जा नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर हम मेट्रो की बात की जाए, दिल्ली का है, तो मेट्रो जो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है नेहरू इनक्लेव। रेलवे स्टेशन यहाँ का ओल्ड दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वो इसके पास है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, अब हम कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोर्सेज क्या क्या ऑफर कर रहा है, कौन से कोर्स आपको ऑप्ट करना चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है जान लेना। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर बात करी जाए तो BA ऑनर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, उसमें इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री हो गया, उसके बाद BCOM ऑनर्स है, BSc है बायोकेमिस्ट्री में हो गया, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स, उसके बाद BSc प्रोग्राम है जिसमें लाइफ साइंस फिजिकल साइंस ऐसे सारे कोर्सेज ही ऑफर करता है, और फिर BA प्रोग्राम में बंगाली हो गई, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश हिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज ही ऑफर कर रहा है। उसके बाद PG कोर्सेज की बात करी जाए पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि, तो PG कोर्सेज में MA इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, MCOM, MSc इन मैथमेटिक्स वाले सारे कोर्सेज ही ऑफर कर रहा है। उसके बाद सीट मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ की जब सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी एक चार्ट गिवन है जिसमें सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, कोर्सेज के साथ साथ ऑनर्स है, उसके बाद टोटल सीट्स क्या हैं, सारी कैटेगरी वाइज हो गया, जैसे जनरल हो गया, SC, ST, OBC, सारी पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ साथ कितनी सीट्स अवेलेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कौन सा कोर्स ये दे रहे हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। अगर हम देखें BA प्रोग्राम में टोटल सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं 237, अंडर रिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी पे सीट्स है 96, SC में मिल रही है 35, ST में मिल रही है 18, OBC में 64, EWS में 24 और PWBD में 12। तो यहाँ से आप सारे चेक कर सकते हो, आपको कोई भी कोर्स आपको अगर जो भी आपको इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हो BCOM ऑनर्स में देखना कि कितनी सीट्स है, क्योंकि आपको अगर एडमिशन लेना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि क्या वो वाले क्या आपकी जो भी आपका रैंक हो गया या फिर आपकी कैटेगरी हो गई उसके बेसिस में कितनी सीट्स अवेलेबल है कौन से कोर्स के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं BCOM ले लूँ तो उसमें 78 सीट्स हैं, उसके बाद अगर आपकी कैटेगरी इसमें से कोई भी होगी ST होगी फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ 6 सीट्स ही ऑफर कर रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद हम और अगर आगे देखें तो यहाँ पे फिर से BA प्रोग्राम की सीट मैट्रिक्स जो 2022-23 की है उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2 यहाँ पे दिया हुआ है, बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, तो टोटल यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 5 है। फिर आपकी कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी आपको उसमें जाके चेक कर लेना है, जैसे कि अब हम फॉर एग्जांपल अगेन मैं यहाँ पे जैसे कि ले लेती हूँ हिस्ट्री और मैथमेटिक्स मैंने ले लिया, तो यहाँ पे 5 टोटल सीट्स हैं, उसमें से 2 सीट जनरल कैटेगरी की है, OBC की 1 है, SC की 1 है और EWS की भी 1 है। तो ऐसे टोटल सीट्स में कौन सी कैटेगरी पे किसको सीट मिल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा इजी बन जाता है मेरे लिए एडमिशन लेना या किसी भी स्टूडेंट के लिए एडमिशन लेना। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से ऑफर कर रहा है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज तो यहाँ पे जितने हर स्टूडेंट में को चाहिए होते हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज तो ये ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि MA इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, MCOM हो गया, MSc इन मैथमेटिक्स हो गया, तो सही है। उसके बाद टोटल सीट्स यहाँ पे है 39 सीट्स हैं सब में ही ओके, तो ये इक्वल है लाइक हर कोर्स के साथ टोटल सीट्स यहाँ की 39 है।
अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल सीट्स हर प्रोग्राम की 39 है, वेयर एज सारी कैटेगरी वाइज भी उन्हें इक्वल ही सारी रखी है, जैसे 16 है अंडर रिजर्व की, एससी की 6 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, तो उससे ही है, सिंपल है ना। उसके बाद फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि अब एडमिशन तो लेने जा रहे हो तो एक बजट होता है, हमें एक बजट की प्लानिंग करनी पड़ती है कि अगर कोई भी कॉलेज में अगर मैं एडमिशन ले रही हूँ तो क्या वो मेरे बजट के अंदर बैठ रहा है, क्योंकि अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरा 5000 बजट है और कोई भी कॉलेज में मुझे 10000 रुपये की फीस भरनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट चूज़ दैट कॉलेज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी कॉलेज डिसाइड करने से पहले मैं उसकी फ़ी स्ट्रक्चर को ज़रूर चेक कर लूँ कि कितनी फ़ीस वहाँ पे मेरे को देनी पड़ेगी और क्या वो मेरे बजट में बैठ रही है कि नहीं। तो बीएससी की जो है, एंड ऑल्सो वन ऑफ दी ग्रेट थिंग अबाउट डीयू कॉलेजेस की यहाँ का जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा होता है, सही होता है, अपने बजट के अंदर भी बैठ जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट कॉलेज है तो ये एक मेरिट हो जाता है। डीयू यूनिवर्सिटी का ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बीएससी का अगर हम देखें तो 19,405 इसका फ़ी स्ट्रक्चर है। उसके बाद बीए का देखें तो 12,851 है, बीकॉम का 15,851 है, और एमए, एमकॉम और एमएससी का 12,087 है। उसके बाद जब हम कोई कॉलेज में गए वहाँ पे हमने फ़ीस भी देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, क्या क्या वहाँ पे कैसे पहुँचना है। उसके बाद अब हम को वहाँ पे अगर रहना है कोई भी कॉलेज में, हम जा रहे एडमिशन ले लिया तो हम अब कहाँ रहे, अकोमोडेशन सर्विसेज क्या है, क्या फैसिलिटीज़ है। तो मैं आपको एक चीज़ इसकी बता दूँ, ये मे बी इसका एक डीमेरिट है, बाकी सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन इसका जो एक डीमेरिट बन जाता है वो है कि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है, तो आपको अपने हिसाब से खुद से एक अकोमोडेशन देखना पड़ेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि पीजीज़ बहुत यहाँ पे आपको आसपास मिल जाएंगे कॉलेज के, तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से ठीक है, मे बी वो नेगेटिव है बट समवेयर ये पॉजिटिव पॉइंट होगी कि ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम खुद से रहेंगे, अकेले रहेंगे, पीजी में रहेंगे, तो आपको पीजी खुद से देखना पड़ेगा। और वहाँ का जो प्राइस होता है वो भी अफोर्डेबल होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो आपको खुद से ही वो ढूंढने पड़ेंगे पीजीज। अब सोसाइटीज़ की बात की जाए कि ये कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं पढ़ाई के साथ साथ, और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या प्रोवाइड करवाता है, कौन सी सोसाइटीज़ हैं, तो सबसे बहुत सारी यहाँ पे सोसाइटीज़ के नेम्स के साथ दिया हुआ है, जैसे कि देशबंधु ड्रामेटिक सोसाइटी हो गया स्टेज प्लेयर्स के लिए, उसके बाद अगेन देशबंधु ड्रामेटिक सोसाइटी हो गया स्ट्रीट थिएटर के लिए, मतलब यहाँ पे दो एक ही सोसाइटी में दो टाइप के थिएटर्स आपको मिल रहे हैं, एक प्लेयर्स और एक थिएटर का है। उसके बाद हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी, आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी, उनके नेम्स के साथ दिया हुआ है। ऐसे ही आप देख सकते हो क्विजिंग क्लब, म्यूज़िक सोसाइटी, युवा, उसके बाद इग्नेस, एनसीसी, एनएसएस, लीडर्स ऑफ टुमारो, देश, कॉलेज मैगजीन, यहाँ की मैगजीन का नाम देश है, वेरी नाइस, ऐसे आप देख सकते हो। उसके बाद सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे दी हुई हैं, सारे जो भी सोसाइटीज़ जो भी यहाँ पे कोई भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज़ करवाते होंगे तो साथ ही में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी एक्साइटिंग तो हो जाता है सभी स्टूडेंट्स को, कि अपने आप को भी इमेजिन कर लेते हैं कि हम भी यहाँ पे जाके कभी ये सारे फेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अब इसी के साथ पार्टिसिपेट करने के साथ साथ हर कॉलेज के फेस्ट भी होते हैं, जो जिसकी वजह से एक्चुअली वो कॉलेज पॉपुलर हो जाता है या माना जाता है कि यहाँ का फेस्ट ये हुआ है, वहाँ का फेस्ट होता है, ऐसे फेस्ट होता है। तो सभी जो डीयू का एक कॉमन चीज़ है वो होता है फेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, हर कॉलेज का एक पर्टिकुलर फेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे कॉलेज एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है इवन सेमेस्टर्स में, साथ ही साथ में परफॉर्मर्स यहाँ पे जो फेस्ट में बुलाए जाते हैं बाहर से, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस नेम्स आपको देखने को मिल ही रहा है, आप पढ़ सकते हो, दर्शन रावल सिंगर है, नेहा कक्कर है, अंकित तिवारी, शान, अखिल मान, सारे ही सिंगर्स हैं जो यहाँ पे आए हैं इन सारे फेस्ट में। आप यहाँ पे फोटोज़ भी देख सकते हो सारे फेस्ट के हो रहे हैं, ऐसे ही सारे फेस्ट हैं ये देखो। उसके बाद फैसिलिटीज़ कौन कौन सी यहाँ पे आपको मिल सकती हैं, मिलेंगी इस कॉलेज की, वो देख लेते हैं। लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर कॉलेज में होती ही है लाइब्रेरी। उसके साथ साथ इंसेक्ट रिप्रोडक्शन रिसर्च है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च लैब है, ये सारे लैब्स यहाँ पे मिल रहे हैं, कैटलिस्ट रिसर्च लैब, गर्ल्स कॉमन रूम हो गया, बॉयज़ कॉमन रूम हो गया, कैंटीन, फोटोकॉपी सर्विस, मेडिकल रूम, बैंक एंड एटीएम सारे यहाँ पे अवेलेबल है, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, डीबीटी स्टार कॉलेज स्कीम है, उसके साथ जैसे आप देख सकते हो आईसीटी एनेबल्ड क्लासरूम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारे
बैंग्स वगैरह भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एलुमनाई का। कोई भी कॉलेज का एलुमनाई जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट हो जाता है कोई भी कॉलेज का, क्योंकि यूजुअली बहुत ज़्यादा फेमस लोग वहाँ से निकले होते हैं और हमें पता नहीं होता है। जब हम कोई भी कॉलेज के बारे में रिव्यू करें, हम रीड करें और फिर हम अगर देखते कि अच्छा ये भी यहाँ से पढ़ के गया, अच्छा वो भी पढ़ के गया, ओके, तो फिर हम ऐसे कहीं ना कहीं हम भी इमेजिन करने लग जाते हैं कि ये यहाँ से पढ़ के गया है, इसने ये लाइक इस क्लास में बैठा हो गया, उस क्लास बैठा होगा, इसने भी इस फेस्ट में अटेंड किया होगा, ये फेस्ट में, या एवरीथिंग इज वेरी एक्साइटिंग। तो गुलशन कुमार जैसे कि यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं, हम सभी जानते हैं कि टी सीरीज के फाउंडर है, ये काफ़ी फेमस है और हमें ये नहीं मालूम था कि इस कॉलेज के एलुमनाई है। उसके साथ ही साथ रवीश कुमार है, प्रभु चावला, रघुराम, ये सारे यहाँ से पढ़ाई करके गए। तो आप भी यहाँ पे जब पढ़ाई करोगे तो समवेयर आपके बैक ऑफ माइंड रहेगा कि हाँ ये सारे एलुमनाई यहाँ पे रह चुके हैं। अब प्लेसमेंट्स की बात कर ली जाए कि भाई कोई भी कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि वो कॉलेज तभी अच्छा माना जाएगा क्योंकि मेन रीज़न उसका, कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो मेन रीज़न क्या होता है, प्लेसमेंट होता है। कितना सैलरी पैकेज मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना मैं वहाँ से कमा सकता हूँ, कैसे कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो कितने स्टूडेंट्स को कंपनीज लेके जाती है वहाँ पे। प्लेसमेंट अगर नहीं होता है ना तो ये होता है कि कॉलेज को इतना अच्छा माना नहीं जाता है। तो अगर यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट 3 ईयर्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्लेस हुए, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, तो वो है 449 और यहाँ का जो पैकेज गया है वो 4.17 लाख पर एनम गया है। और पीजी 2 ईयर्स की बात की जाए, पोस्ट ग्रेजुएट 2 ईयर्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हुए हैं 58 और साथ ही साथ में यहाँ का जो पैकेज गया है वो है 5.35 लाख पर एनम। तो पैकेज भी मतलब इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट कम भी नहीं है, एवरेज यहाँ का पैकेज है, सही पैकेज है। ओके, अब हैंगआउट स्पॉट्स देख लेते हैं कि कॉलेज के बाद अगर हम हैंगआउट करने जाना है या फिर बंक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो कहाँ यहाँ के आसपास कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पे हैंगआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोटस टेंपल, बहुत ही ज़्यादा फेमस दिल्ली का ये टेंपल है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, अगर आप नहीं गए हो तो आपको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पे जाना ही चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पे कालका जी टेंपल हो गया, चुंबकिया कैफ़े हो गया, इस्कॉन टेंपल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो काफ़ी सारे तो हैंगआउट स्पॉट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आसपास। और अब हम बात कर लेते हैं रिव्यूज़ की, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के गए या फिर पढ़ रहे हैं तो उनके हमने रिव्यूज़ लिए हैं कि उनको वो कॉलेज कैसा लगा है। तो गुड प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, येस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी कॉलेज में आप पढ़ाई करें उसके साथ आपको इंटर्नशिप्स भी वो प्रोवाइड करवाते हैं कॉलेज, तो यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। गुड फैकल्टी है, सोसाइटीज़ हैं, बस यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है विच इज़ अ डीमेरिट, बट अगेन पीजीज़ आपको मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइजेज में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पहुँचना इजी है, एक्सेसिबल है, वन ऑफ़ द बेस्ट कॉलेज इन साउथ कैंपस, साउथ कैंपस का कॉलेज है और माना जाता है कि बहुत ही वन ऑफ़ द बेस्ट कॉलेज वहाँ पे पाया जाता है। इम्प्रूविंग इट्स रैंकिंग एवरी ईयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, NIRF रैंकिंग हर साल हर कॉलेज को मिलती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उस कॉलेज डेवलप होता रहे और उसकी जो NIRF रैंकिंग है वो बढ़ती जाए। तो यहाँ पे वो चल रहा है, वो हो रहा है, तो अच्छी बात है, इम्प्रूव हो रहा है, डेवलप हो रहा है कॉलेज। उसके साथ चीप अकोमोडेशन अराउंड कॉलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको मिल जाएंगे रहने के लिए अकोमोडेशंस वगैरह, एंड वन ऑफ द अंडररेटेड कॉलेज, पर अच्छा है बहुत, तो काफ़ी अंडररेटेड कॉलेज तो है क्योंकि बहुत हम सब लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनने इसके बारे में नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि DU में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका नाम हर जगह पे है बट कुछ कॉलेज है जो अंडररेटेड है, तो ये भी वन ऑफ दी अंडररेटेड कॉलेज कहलाया जाता है, बट अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो यहाँ पे है। तो ये तो रहा आज के कॉलेज का रिव्यू। बाकी अगर आपको ऐसे ही CUET से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए और कॉलेजेस का रिव्यू चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू CUET बाय स्टूडेंट खबरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।